जी, मैं मोहम्मद अहमद नज़ीर, और आज क्योंकि सैटरडे है और काफ़ी आवाम फिर रही है, और हमने सोचा कि व्लॉग बनाया जाए, लेकिन व्लॉग आज बड़ा अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं अरसलान भाई का इंटरव्यू करने वाला हूँ। अरसलान भाई अभी अपनी डिग्री कंप्लीट करने वाले ही हैं, अभी कल ही उन्होंने अपना थीसिस कंप्लीट किया है, वाइवा दे के आए। अब इनसे पूछते हैं कि जब ये आए थे इनका टोटल कितना एक्सपेंस आया था, और इसी के साथ साथ ये भी एट द एंड ये पूछेंगे कि यूके आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और सवाल उनसे करते हैं। मेरे ख्याल में फ्रंट कैमरे में आ जाएंगे या बैक कैमरा। अस्सलामुअलैकुम। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा सा ऊँची बोल दें ताकि इनको सुनाई दे। अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप यूके आए कब थे और किस यूनिवर्सिटी में आए थे। यार, मैं 2022 अक्टूबर में आया हूँ कैंटरबरी यूनिवर्सिटी में, क्राइस्टचर्च यूनिवर्सिटी में, कैंटरबरी। ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए। उस वक्त आपका जो टोटल एक्सपेंस था वो कितना आया था? यार, मैंने हाफ फी पे की थी, अराउंड 6500 पाउंड्स पाकिस्तान से। सही है, तब पाउंड का रेट भी कम था, आई थिंक 250 पे था, 250 पे उस वक्त पाउंड था, और इस वक्त 375 अबव जा रहा है। हाँ, तब इतना था, तो उतनी मैंने फीस पे की थी। मुझे मैम 16 लाख कुछ तब मेरी फीस बनी थी, और अराउंड 20 लाख हो गया होगा टोटल खर्चा। सही है, 20 लाख टोटल आया था, लेकिन अब इतना नहीं, अब इसमें आप 10-15 लाख एडिशनल ही रखे। पाउंड अब बहुत ऊपर चला गया। और आप मास्टर के लिए आए थे, कौन सी डिग्री थी आपकी यहाँ पे? मेरी मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग थी विद रोबोटिक्स ना। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग विद रोबोटिक्स। अच्छा, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि इस डिग्री की कम्प्लीशन के बाद आपके पास जो पोस्ट वर्क वीज़ा है जिसके बारे में, वो कितनी देर का होगा और आप कितने घंटे काम कर सकते हैं, या उसमें भी कोई लिमिटेशन होती है कि आप इतने घंटे काम कर सकते हैं? यार, अभी तक मुझे ना 20 आवर्स अलाउ था, क्योंकि मैं ना 2 दिन हो गए हैं, मेरी ना डिग्री ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, मैंने थीसिस वगैरह सबमिट करवा दी, एवरीथिंग हो गई है, बस रिजल्ट का वेट है। सही है, जो कि 1-2 वीक तक आ जाएगा, उसके बाद मैं फुल टाइम वर्क के लिए लाऊँ लीगल। अच्छा, वैसे जो सवाल सभी पूछना चाह रहे होते हैं कि जैसे आप यहाँ पे आए, आपको डेफिनेटली स्ट्रगल तो करना पड़ा, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, तो आप कितना वीकली बता दें, वीकली आप कितने पाउंड कमा लेते हैं, जिससे आपके जो लिविंग एक्सपेंस हैं या फूड है वो उसके जो मेटअप हो। जो कि इधर रूल है ना, 20 आवर्स आप लीगल काम करते हो, उस पर आप कितना कमा लोगे? 200 पाउंड्स to 50 पाउंड्स वीकली पर वीक। और भी वो मारे कि आपका अपना खर्चा ही निकलता है कुछ भी, अबाउट 1000 कमा सकते हैं, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, वो अब आपका खर्चा ही नहीं पूरा होगा, उससे रेंट भी देना है अपने, आपके अपने एक्सपेंसेस हैं, खाना पीना है, आपके बिल्स वगैरह हैं। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमने बेसिकली जो इधर लड़के आके करते हैं वो कैश इन हैंड काम करना शुरू कर देते हैं। सही है, सारे वही करते हैं, वो ज़रा थोड़ा इसकी काम होता है, पर वाम करती है। अब वो डिपेंड करता है आप, यार आप कितना काम कर सकते हो, कितने आवर्स आप कर सकते हो, आपकी अपनी भी कैपेसिटी है। ठीक है, मैं स्टार्ट में आया था, ठीक है, तो मैं जनाब सुबह से शाम तक, रात सुबह 9-10 बजे स्टार्ट करके रात को 2-1 बजे तक करता था काम। देख लें, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। और आप मुझे एक लास्ट ये बता दें, आप क्या सजेस्ट करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो हमारे मुल्क के हालात हैं, हर बंदा यूके आना चाहता है, किसी ना किसी तरह से आना चाहता है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, आएं लेकिन किस चैनल के थ्रू वो आएं, किस वीज़ा पे आएं और क्या प्रॉपर है? अगर तो आपका फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, आप बिज़नेस कर सकते हो, तो ऑब्वियसली यार पाकिस्तानी मार्केट में बहुत स्कोप है बिज़नेस, आप बिज़नेस करो यार, इधर आके हवार होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप जैसे बंदे मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो ऑब्वियसली यार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंग्लैंड की। वैसे आप कहते रहो यार स्ट्रगल है, उस पर आप मार खाओगे थोड़ी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यार आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है जब आप अर्निंग करते हो। ठीक है, मैं भी आया हूँ, ठीक है, मैंने 4-5 माह दबा के लगाए हैं, लगा के सेविंग के पाकिस्तान का वापस टूर मार लिया। सही है, ठीक है, आप फिर वापस आए और फिर इतना आप ये फीस वगैरह है निकल जाती है अगर आप काम करने वाले हो। इसके हार्ड वर्किंग है, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा है इधर। अगर यार मेरे जैसे बंदे हो जिसने इंडिपेंडेंट होना है, अपने आप पे ही करना है, ठीक है, घर वालों से कुछ नहीं मिलना, तो बेहतर है यार पाकिस्तान से निकलो, आके अच्छा कमाओ, अपने इंडिपेंडेंट रहो, जिस कम अज़ कम आप इतने जोगे हो जाओगे, इस काबिल हो जाओगे बेसिकली, कि यार जिस चीज़ पर आपका दिल कर रहा है ना बाय कर सकते हो। ठीक है, सही है, जो आप कुछ भी मतलब बाय
अपने ने अब ड्रीम पूरे कर सकते हैं, खर्चे पूरे कर सकते और घर वालों को भी थोड़ा कि अमाउंट भेज सकते घर वालों से हैर लिए बगैर आप अपनी अपनी कमाई पे यार आप कुछ भी लो यार बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है। ठीक है यार मैंने कोई इतने घर वालों को भेजे कोई नहीं, मैं अपने ही चला रहा हूँ। लेकिन इन्होंने फोन अच्छा लेटेस्ट i14 प्रो मैक्स रखा हुआ है, 250 पाउंड के ये टूटियाँ इस्तेमाल कर रहे हैं और कोस्टा से भी चॉकलेट लेके आए, लेकिन मेहनत है। हाँ आगे क्या रूट है, किस रूट के थ्रू आप पे आना है, इसकी डिटेल मेरे ख्याल में नेक्स्ट व्लॉग में बता देंगे और डिस्क्रिप्शन में कॉन्टेक्ट नंबर भी गिवन होगा या आप इंस्टाग्राम का लिंक से फॉलो करके आप डिटेल पूछ सकते हैं, हम आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे कि कैसे आना है और क्या रिक्वायरमेंट्स। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो MMA नज़ीर चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, नेक्स्ट व्लॉग में सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। एक में दे दी तो लोग ज़्यादा शौकी हो जाएंगे। कमाई का टाइम हो गया।